अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? बेटा आवाज आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। अनम्यूट करो। अहमद जमाल, आवाज प्रॉपर है ना बेटा? यस सर। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक। थोड़ी डिस्टोर्शन है। थोड़ी डिस्टॉर्शन है। वो पंखा चल रहा था यस एक्चुअली, सर, जब वो क्लियर पंखा नहीं। चल रहा था। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप बोले, आप यस ठीक सर, हो? ठीक है। यस सर। बाकियों से पूछ लें जी, तो बाकियों ने भी रेज हैंड किए हुए हैं, पूछ लें। वैसे अनम्यूट कर दे सबको। हाँ जी बेटा, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर है, चलें। ठीक है, चलें म्यूट करें जी। अच्छा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द डेट चैप्टर? वो जो हमारा वो मस्जिदों का चैप्टर है, तो उसमें कोई क्वेश्चन बेटा वो बोल दें। एथिक्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा बोल दें। हाँ जी, एनीबॉडी रेज द हैंड। एनी कंफ्यूजन? ले जी, अब हम जरा दूसरे चैप्टर की बातें करते हैं। दूसरे चैप्टर का पहले ओवरव्यू देख लें। जरा दूसरे चैप्टर पे आइएगा सर। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि इसका ओवरव्यू क्या कहता है। इसमें उसका जो ओवरव्यू है वो फाइनेंशियल्स, फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जो जाहिर इकट्ठा होता है उसमें फेडरल का हिस्सा भी है, उसमें प्रोविंस का हिस्सा भी है। फेडरल के अपने एम्प्लाईज हैं, कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बेटा सिर्फ फेडरल के हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं जो हमारे प्रोविंशियल्स के हैं, और कुछ डिपार्टमेंट जो दोनों में है, लाइक हम एजुकेशन मिनिस्टर कहें, एजुकेशन ऊपर डिपार्टमेंट भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट नीचे भी है, प्रोविंस लेवल पे भी है। रेलवे प्योर फेडरल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्योर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। उसमें अब लॉ मिनिस्ट्री में ऊपर लॉ ऊपर भी है, और फिर नीचे चूंकि सूबों का मामला भी है, नीचे से लॉ वहां भी देखा जाता है। लेजिस्लेटिव कानून है, मुख्तलिफ कानून बेटा बने हुए हैं। फेडरल वफाक के अपने कानून है, एक कानून जो एप्लीकेबल आपका वफाक का होता है, साथ जो है वो आपका प्रोविंस के कुछ अपने कानून है, लाइक पीआरए, जो आप ये होटल्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स देते हैं, वो आपका जो है वो अपना प्रोविंस लेवल का सब्जेक्ट है। आप वैसे जो जनरल सेल टैक्स गुड्स के ऊपर देते हैं वो फेडरल का सब्जेक्ट है। इस तरह रेवेन्यू कलेक्ट होता है, सूबे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, फेडरल अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है। फिर जो है ना, अब हम थोड़ा सा एक ओवरऑल मैं आपको डिस्कशन करता हूँ इसके बारे में, देन हम उसको आगे चलते हैं जी। प्लेन पेज पे आइएगा प्लीज। जब भी हमारी जो बजट है ना जी, बजट की तैयारी हमारी जैन से स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट। वो सब लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं ये जो है वो मतलब कि अगर जून में बजट देना है तो वो जैन 2020 में वो उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। मुख्तलिफ प्रोविंसेस को
हर प्रोविंस का बजट पिछले साल का देखा जाता है, उससे अगले साल का बजट मांगा जाता है कि अगले साल का आपका बजट क्या है और आपको क्या एलोकेशन आ रहा है। हर बंदे को, हर सरकार के अदारे को फंड्स रिक्वायर्ड है। एमएनएस को सैलरी जाहिर है जो फेडरल है उनको देते हैं, एमपीए सैलरी अपने अपने सूबाई को देते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को जो सैलरीज हैं वो आपकी गवर्नमेंट पंजाब देती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरी है वो हमारी जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह हर अदारे का जो बजट है, डिफेंस का बजट है, तालीम का बजट है, हमारी हेल्थ का बजट है, तो हर अदारे का एक कोई ना कोई बजट बन के जो है वो ऊपर तक हमारे जो है वो परसीव होता है। फिर हम सारा अल्टीमेट देखते हैं कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट अपना भी, गवर्नमेंट का प्रॉफिट लॉस है वो उसके रेवेन्यूज, उसके और उसके एक्सपेंडिचर्स, और एक्सपेंडिचर्स में आपकी रीपेमेंट ऑफ अल्टीमेट लोन भी आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन में आपकी आपकी बेसिकली लायबिलिटी आपकी जो है वो आईएमएफ की जैसे वो किस्त देनी है। जैसे पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला ड्यू टू कोरोना कि आपकी जो इंटरनेशनल जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी वो आपकी एक साल आगे चली गई। अच्छा, फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू अपने टैक्स कलेक्शन देखती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू में अपनी फिर वो भी देखती है कि जी उसको कोई पैसे जो फॉरेन मिटर्स जो बाहर से आ रही है तो वो भी गवर्नमेंट अपना देखती है कि जाहिर जब गवर्नमेंट हमेशा एवरी गवर्नमेंट नीड्स द इंटरनेशनल करेंसी, जो इंटरनेशनल करेंसी पूरे दुनिया में प्रवेश कर रही है, आपको पता है डेट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डॉलर हर जगह एक्सेप्टेबल है, वो आपका प्रवेल करता है क्योंकि हमें जो पेमेंट्स करनी है बेटा वो डॉलर में करनी है, हमें रुपयों में नहीं करनी, वरना तो हम रुपये छाप छाप के उनको देते जाएं। तो हमेशा गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को और जो फॉरेन मिटर्स जो बाहर से पैसा ला रहे हैं उनको हमेशा फैसिलिटेट करती है। फिर एक हमारा बनता है बेटा फिनांस बिल, जब सार तैयार होता है उसको हम बोलते हैं फिनांस बिल। ये जो हम कहते हैं बजट पेश हुआ 4 जून को 5 जून को 10 जून को, हम उसको फिनांस बिल बोलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट का ओवरऑल बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है, उसमें डिस्कशन की जाती है। लॉ में सारी चेंजेस जो हैं वो इस दफा, लाइक टैक्स आपका अगले साल से, अगर आप इस दफा अल्लाह ना करे टैक्स नहीं पास कर सके तो आपको बेटा अगली दफा टैक्स ईयर 2021 पढ़ना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो चेंजेस आई हैं वो चेंजेस को क्वेश्चन भी आपका चेंज हो जाता है। टैक्स जो है वो आपका 2 टैक्स के लिए फिजिबल रहता है। अब आपका जो मार्च अटैम्प्ट आएगी और वो सितंबर, उससे अगली सितंबर अटैम्प्ट होगी वो टैक्स ईयर 2021 की होगी। ये जो आपकी सितंबर अटैम्प्ट आ रही है ये टैक्स ईयर 2020 की आपकी अटैम्प्ट जो है वो कंसिडर, उसकी बेस पे आपको क्वेश्चन आता है। फिर इस फिनांस बिल पे आपको पता, फिर आपको असेंबली में बहस होती है। हमारी असेंबली क्या है, बस आपको पता है वो चूचू का मुरब्बा ज्यादा है, तो वरना तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बाहर जो लोग होते हैं उसमें अपोजिशन एक शेडो बजट पेश करती है, एक सरकार बजट पेश करती है, एक शेडो बजट पेश करती है। शेडो बजट का बेटा मतलब ये होता है कि जो बजट हम, अगर हम हुकूमत में होते तो हम बजट क्या पेश करते, डेट इज कॉल्ड द शेडो बजट। पूरी दुनिया में जहाँ रियल सेंस में, कई जगह पे डेमोक्रेसी रियल सेंस में है, वहां पे हर जगह पे जो पॉलिसीज आती है वो शेडो पॉलिसीज भी आती है। कि तालीम के मतलब कोई आता है तो वो जो अपोजिशन का वजीर तालीम है, हमारे तो माशाल्लाह बाद का वजीर तालीम ही हमारा मैट्रिक पास होता है, उसने क्या अब डिस्कशन करनी है, उसने क्या देखना है। फिर इसके ऊपर आपकी डिसीजन करती है। फिर आप अल्टीमेटली आपका जून 28 या जून 27 को आपका जो है ये फिनांस बिल जो है ये सिंपल मेजोरिटी के साथ, असेंबली में सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो पास कर दिया जाता है, वो पास हो जाता है। फिर ये जाता है जनाब, ये चूंकि आपका मनी बिल है, मनी बिल सिर्फ आपका कौमी असेंबली से पास होना जरूरी होता है, सेनेट से आपका पास होना जरूरी नहीं होता। मनी बिल आपका जो है असेंबली से पास होता है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर देता है, जाहिर प्रेसिडेंट ने करने ही करने साइन है, और जुलाई 1, 2021 से नया जो है वो बजट जो है वो उसकी जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, वो बजट नहीं रहता, उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बड़ा वो था कि जी बजट पास नहीं होना, बजट पास नहीं होना। बीइंग ए पर्सन पॉलिटिकल बाज, बीइंग ए कंसल्टेंट बाज, लोग मुझे पूछते थे जी वो तो कहते बजट पास नहीं होने देना।
बजट पास ना होना किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी होती है। वो इस बात पे गवर्नमेंट रिजाइन कर जाती है कि बजट नहीं पास, लेकिन बजट अक्सर पाकिस्तान में हमेशा तकरीबन पास हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि 1 जुलाई से नया सर्कल शुरू हो जाता है, नया सर्कल। तो अगर बजट पास ना हो तो बेटा 1 जुलाई को जो नया सर्कल स्टार्ट होना है वो पूरा मुल्क का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बाद का जो है वो अपोजिशन भी वो बयान की हदौर होती है, तो वो ये भी नहीं, ज़ाहर कोई भी नहीं चाहता होता कि पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाए। फिर इनके बकायदा जो है वो फेडरल से, फेडरल जो कमाई दे करता है, फिर सूबे अपना बजट पास करते हैं, फिर सूबों के पास लाइक पंजाब है इनके पास अपने अपना KPK जो है, और फिर फेडरल बकायदा इनको पैसे मजीद देती है। वो ये बकायदा अपने बजट में लिखते हैं कि इनफ्लो फ्राम द फेडरल गवर्नमेंट। मैं तो खैर अभी तो सोशल मीडिया पर अगर देखें या किसी और वजह देखें, 18th अमेंडमेंट पे मैं तो खैर तब से बोल रहा हूँ जब से ये पास हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, ये 73 के आइन में ये 18th अमेंडमेंट पास हुई, मैं तो उस वक्त का इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। लोगों को पता चला कि यार 18th अमेंडमेंट में जो है वो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि तमाम सूबे, आज से नहीं, मैं आज तो अब तो 18th अमेंडमेंट पे जो 5-6 साल हो गए जो 18th अमेंडमेंट पास हुई है, उसमें सूबे आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार बन गए और वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉलिसीज अप्लाई करते हैं। जे कैन डिनाई फेडरल गवर्नमेंट, जी जी फेडरल गवर्नमेंट करे, मैंने तो अपनी मर्जी करनी है, मेरे आईन में तो ये लिखा हुआ है। तो हम तो बाज का बस, मैं इन माई पर्सनल ओपिनियन द CM इज मोर पावरफुल देन PM, द CM ऑफ द एनी प्रोविंस इज मोर पावरफुल देन द PM विद रिस्पेक्ट टू द प्रेस्क्राइब लॉज इन पाकिस्तान। 18th अमेंडमेंट बेसिकली गेम प्लान था। अब मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और वो गेम प्लान अपने अपने सूबों में अपनी अपनी हुकूमत करो एंड द नथिंग एल्स। इससे बेसिकली हमारी बेटा इकाई कमजोर हुई है, जिसको हम पाकिस्तान एक इकाई कहते हैं, इस अमेंडमेंट से हमारी इकाई कमजोर हुई है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्टॉर्शन आया। फिर आपका एक NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसको हम NFC अवार्ड बोलते हैं, उसको हम NFC अवार्ड बोलते हैं। सूबे NFC अवार्ड में से भी अपना हिस्सा लेते हैं। वो कैसे, लाइक हम कहें जी KPK है, KPK में जी वो त्रिबेला डैम KPK में है, वो बिजली वहां से पूरे मुल्क को सप्लाई होती है, तो KPK उस चीज की एक्स्ट्रा रॉयल्टी लेता है। मंगला डैम कश्मीर में है, मंगला डैम की रॉयल्टी आजाद कश्मीर को जाती है। सुई गैस बलोचिस्तान से निकलती है, ठीक है, उसकी रॉयल्टी बलोचिस्तान को जाती है, जो माशाल्लाह सिर्फ सरदारों के ऊपर उसका शायद खर्च होता है, वरना बलोचिस्तान का हाल तो हमने देखा। और बलोचिस्तान बड़ा टैक्टफुली जो है वो तबाह किया गया विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अफगानिस्तान, वहां बड़े प्लेयर हैं, ग्वादर में बहुत प्लेयर हैं। उस ग्वादर के प्लेयर होने की वजह यह है कि ग्वादर इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्पेशली टू द रशिया और उससे आगे यूरोप, ये शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि माशाल्लाह हमारे सरकार के लोग दुबई गवर्नमेंट से पैसे खाते रहे, दुबई गवर्नमेंट फाइनेंस करती रही कि जी ग्वादर डेवलप ना हो, क्योंकि ग्वादर डेवलप होता है तो दुबई बिल्कुल मर जाता है, दुबई की पोर्ट बिल्कुल फारग हो जाती है। तो इसलिए हर बंदे को प्रॉब्लम है कि नहीं यार, और ग्वादर सबसे बड़ी बात है डीप सी है। डीप सी का मतलब ये होता है कि बेटा वो साहल के ऊपर जो है वो डीप सी है, वहां जहाज आपका बिल्कुल आगे आके लंगर अंदाज हो जाता है और वहां से आपकी कॉस्ट, अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स का फर्क, उसके जो फ्रेट वगैरह उसका फर्क पड़ता है। वरना तो आपको पता है, आपको जो बड़ा शिप है वो आपका जहाज हमेशा दूर लंगर अंदाज होता है, जहां से आपकी फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, एट द शॉर्टेस्ट वे, वरना दुबई से घूम के आना पड़ता था। अब अगर अल्लाह करे जो है वो ग्वादर प्रॉपर डेवलप हो जाए और प्रॉपरली वहां से शिप्स का रूट बन जाए,
तो पाकिस्तान का अपना सोर्स ऑफ इनकम एक बन जाएगा। यार जाहिर है जब इंटरनेशनल जो शिप कंपनीज है वो भी यहाँ से गुजरेंगी, उनको भी शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा, फिर जो इम्पोर्टर है उसको भी शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा, तो डेट माई बी इज अ गुड फॉर्चून ऑफ द कंट्री। अगर जो है वो इसलिए जो है वो बलोचिस्तान मुसलसल जो है वो जद में रहा कि भाईजन ग्वादर को डेवलप नहीं होने देना, बाकी जो मर्जी हो जाए। आपको शायद पता हो कि ग्वादर बकायदा ये इट्स अ पार्ट ऑफ द ओमान, ये जब पाकिस्तान जो है वो जब पाकिस्तान बना था तो ग्वादर इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये ओमान का हिस्सा था, और बाद में फिर अयूब खान ने पैसे दे के ये वाली ग्वादर पोर्ट ओमान से खरीदी थी। अच्छा, हम ये फनास बिल पे थे, फिर ये लोग फिर इस चीज का भी शेयर लेते हैं कि जहां पे जो मेन प्रोजेक्ट है उस चीज की वो बकायदा रॉयल्टी रिसीव होती है। अब लाइक फिर लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा फेडरल सब्जेक्ट है। अब कोई भी कोई छोटे छोटे डैम भी कोई भी डैम बनता है, कोई भी बिजली बनती है, तो वो पहले वापडा को सेल आउट होती है, वापडा फिर जो है वो जिम्मेदार है पूरे मुल्क में बिजली का, क्योंकि वापडा बिजली है ही, आप प्राइवेट बिजली नहीं बेच सकते कि मैं छोटा डैम बनाऊं और बना के और मैं बिजली बेचना शुरू कर दूं, नहीं, वो हमेशा उसका लिंक जो है वो वापडा के साथ होगा। और उन्होंने कुछ इन्होंने केपीकी में बड़ी वो उस साइड पे ली है कि जनाब यहीं पे वो जो हाइड्रो पावर जो वाटरफॉल छोटी सी गिरती है तो 2-3 मेगावाट करके गांव में वहीं से बिजली सप्लाई हो जाती है, लेकिन वहां भी वो लोग कहता वापडा के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो 18th अमेंडमेंट रियली इसमें अमेंडमेंट्स की बड़ी जरूरत है, इसमें चेंज होना बड़ी जरूरत है ताकि दोबारा हम एक इकाई की तरफ जाएं, बल्कि या कि हम सूबों के ज्यादा खुद मुख्तारी के पास तरफ चले जाएं। और फिर आपका जो जब आपकी असेंबली वजूद में होती है, हमने मुशरफ का दौर देख लाइक मुशरफ 2-3 साल रहा, वो कोई भी लॉ अप्लाई इशू करता था उसको हम कहते थे ऑर्डिनेंस, और जो असेंबली जब होती थी उसको हम एक्ट कहते हैं। तो क्या असेंबली के होते हुए ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है? लॉ इज यस, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डेट ऑर्डिनेंस इज एप्लीकेबल फॉर 120 डेज, 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होता है, 120 दिन के अंदर आपने वो उसको असेंबली से पास करवाना जरूरी होता है। दिस इज अ लिटिल बिट ओवरऑल द फाइनेंशियल एंड द प्रोफेशनल प्रोसीजर। जी जनाब, सवाल बोले जी, चैप्टर पे आ जाए जी, क्वेश्चन बोले बेटा। एनी क्वेश्चन? लो जी, मैं आपको 10-15 मिनट देता हूं, इसमें आप पढ़ना शुरू करें तो ताकि कोई क्वेश्चन है तो आपके हम डिस्कस कर लें। चले जी, पेज वाइज आपको आता जाता है, फिर मैंने आपका वो प्रीफेस है वो भी आपसे डिस्कस करना है कि चैप्टर कौन सा कहाँ से करना है, 2-3 है तो इंशाल्लाह हम उसके बाद जो है ये आप इसको जरा रिव्यू करना शुरू करें, तो इसमें कोई चीज है तो पूछें। वी हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक।
जी बेटा कुछ क्वेश्चन तो बोले जी, रेज हैंड। माशाल्लाह जी, तीन बच्चे क्लास छोड़ के चले गए। समरा जी, समरा जी, समरा सर पेज नंबर 13 की फर्स्ट लाइन। पेज नंबर 13 की फर्स्ट लाइन। पेज नंबर 13 कहाँ खोले हम? बेटा पॉइंट बोलो ना, कौन सा 2.2.6 या 2.2.7, इस तरह क्या है ये? सर वो मुझे याद नहीं। लो, तुम्हारे सामने ओपन है सर, ऊपर ले जाएं। ये पेज नंबर, ये पेज नंबर 13 आया है। ये 14 है सर। ये नहीं, ये 13 है बेटा। ये सर आप बता दें, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सी फर्स्ट लाइन? This sum required to meet other expenditure proposed to be made from the federal. हाँ जी, ये federal एक consolidation fund होता है जी। हम government ये नहीं है कि जी government हर expenditure की बात करती है, government एक fund भी maintain रखती है। बाद कात आपके कुछ expenditures आपके वहाँ से meet किए जाते हैं, बाद आपकी emergency payments भी आ जाती हैं। Like आपके मैं आपको example दूँ, that the case was the February 27 last year. पिछले साल का जो Feb 27 था, जब मूवमेंट शुरू हुई थी इंडिया के साथ, पता है कि नहीं पता? नहीं सर मुझे इसका नहीं पता। अभिनंदन का पता, चाय पीने आया था। यस सर, अभिनंदन चाय पीने आया था। इसका मतलब है वो आपकी जो आपके बॉर्डर है उसके ऊपर मूवमेंट शुरू हुई थी। यस सर, पाकिस्तान ने मूवमेंट भी की जाहिर है। यस सर, तो सारी मूवमेंट मुफ्त में हो गई। नहीं सर, तो वो खर्चा अचानक आया कि वो बजट में था कि जो इंडिया ने हमला करना है। ओके सर, आगे समझ। आप बस समझ आ गई? चलो यस सर, एक और लाइन बता दे। जी जी जी, बोले 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 बेटा बोले। सर 1.2 सर 1.2 टॉपिक में एक लाइन है। 1.2 जी जी, बोले सर। ऊपर जी ये वाली सर, ऑल अदर मनीज में दूसरा पॉइंट, रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल कोर्ट। जैसे ये अभी बादशाह वो डैम बना दिया, मीर बादशाह डैम, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया, वहां पैसे जमा हो रहे हैं। सर समझ आ गई, समझ आ गई बात की ना। दिया मीर सुप्रीम कोर्ट ने फंड कायम किया ना। जी सर, ठीक है, चलें नेक्स्ट। चलें जी, यस सर। वो इब्राहिम जी, इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम, बोलो इब्राहिम जी। बोलो इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट से था सर। वहां पे लिखा हुआ था अदर एक्सपेंस, वो ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट सर। हाँ। वो यानी अगर कोई डिमांड फॉर ग्रांट करनी है तो उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा सर। हाँ जी, पेश किया जाएगा उसको, सब उसको उसको सब्सिडी बजट बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के जरिए। हाँ जी जी सर। सर असेंट के साथ सर उसको कबूल किया जाएगा सर। वो जो असेंट होगी वो सिंपल मेजोरिटी से होगी या फिर सिंपल मेजोरिटी? मनी बिल सारे सिंपल मेजोरिटी। जो सर पहला दिखा हुआ इसकी समय नहीं आई, ये ऊपर थोड़ा सा करें स्क्रीन पे जो सा आ रहा है। ये सर ये जो सा however for a period of 10 years। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली ना गवर्नमेंट जो है ना
अच्छा आप इसमें ना, मैं इसको इसके ना थोड़ी सी वर्डिंग इसकी प्रॉपर नहीं, मैं वैसे आपको बात समझा देता हूँ। जो आपका पिछले साल का बजट है ना, वो एटलीस्ट वो या उसे बढ़ा के अप्रूव होता है, उसमें रिडक्शन ही गवर्नमेंट कर सकती है। ओके सर। कभी आपने देखा कि मई जून में बहुत ज्यादा काम शुरू हो जाता मुल्क में? यस सर। गौर किया आपने, अप्रैल मई जून में सड़कें धड़ाधड़ बननी शुरू हो जाती है बाद बाद। वो क्यों बनना शुरू हो जाती है? वो बजट खत्म करना है जी। अगर बजट खत्म ना करें तो अगले साल कम मिलता है बजट। मसलन मुझे 100 रुपया बजट एलोकेट हुआ था। हेलो। यस सर। मुझे 100 रुपया बजट एलोकेट हुआ था, मैंने खर्च ही 90 रुपए किया, अब अगले साल मुझे 90 रुपए मिलेंगे। ओके सर, ठीक हो, बात समझ गए हो? यस सर। एनी पर्सन जी। अच्छा, कल हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल मैं ओवरऑल रिव्यू करूंगा हमारे अपने सिलेबस का, और साथ जो छोटी छोटी चीजें इनकम टैक्स रहती हैं वो एक या दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं अगले एक दो, भी लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नहीं पढ़ते उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सैटरडे से बड़ी उम्मीद है कि हम शायद फ्राइडे से ही, ट्यूजडे तो मोस्ट प्रॉब्ली माइट बी हम थर्सडे को सेल टेस्ट शुरू कर दें या हम फ्राइडे को सेल टेस्ट शुरू कर दें। और सेल टेस्ट जिसने पहला लेक्चर नहीं लिया उसको फिर सेल टेस्ट आगे समझ नहीं आना, फिर ना मुझे कहिएगा, क्योंकि सेल टेस्ट का जो न्यूमेरिकल है वो 2 या 3 टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है, वो एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है। वो चाहे कंपनी हो, चाहे ओपी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, वो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक जैसा ही है। ले जी, आज हमारा मशतलूमी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़ जी।